सबसे बड़ी बात ये कि जो भी कुछ आज 2-3 हफ्ते से हो रहा है, हम लोग जिन लोगों को करते हुए देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति का हिस्सा भी देख रहा है। लेकिन मैं राजनीति के हिस्सों को हटा के एक पहलू जो आता है एज अ मुस्लिम, एज अ एक सामाजिक न्यूट्रल आदमी, जो लोग सोचते हैं वो हिसाब से बोलूंगा। एक बात सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी धर्म के ताल्लुक से, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जिसके 4 मानने वाले हो, उनके बारे में भी हम कोई भी नेगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों के भावना को आहत ना पहुँचे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे रिलीजियस को धक्का लगे, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, और ऐसे में अगर उधर भी हम बोलते जिस जगह पे एक हिस्ट्री के हिसाब से, राजा के हिसाब से देखेंगे तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ अलग लोगों के बारे में सोचें, कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं वो एक दीनदार टोपी सिल के अपनी बादशाहत को ज़िंदगी देने वाले बुजुर्गाने दीन, उनके हिसाब से हमारी पूरी कम्युनिटी की छवि है। इसलिए हम इस बात को हमेशा से इनकार करते हैं और मानते भी नहीं जो कोई ऐसा कोई बात भी बोलता है। हम एकदम क्लियर मानते हैं कि वो एक बुजुर्गाने दीन थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है वो टोपी सिल के अपने उन्होंने ज़िंदगी का बसर किए थे और एक नमाजी परहेजगार इंसान थे। ये हमारा वली अल्लाह के ताल्लुक से उनके बारे में बुजुर्गाने दीन है, ये हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है। ये हमने बचपन में भी पढ़ा था, ये हमने हमारे दीन से भी पढ़ा, इसीलिए यही चीज़ हमने हमारे जो नेता है उनसे भी ये बात का विरोध जताया बाकायदा कि हमको ये सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद काम है, हम लोग काम के ऊपर बात करना चाहिए। हम लोगों से कभी, हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कभी भी प्लेटफॉर्म रहा है कि वो जात धर्म से हटके सभी को लेके हित के हित की बात की है, तो 4 लोगों की भी भावना दुखती है तो वो भी बात नहीं करना चाहिए। ये तो एक कम्युनिटी का मामला है और हमारी नज़र में तो वो एक मुतपुत है और बुजुर्गाने दीन थे और एक नेक नमाजी परहेजगार थे, वो ताउम्र हमारी नज़र में वैसे ही रहे। तो इस बताओ, अगर अवार्ड सब की तरफ से मुझे माफ़ी मांगना है तो मैं अपनी कौम से 100 बार माफ़ी मांगता हूँ, और माफ़ी मांगने की बात नहीं, मैं एज अ मुस्लिम, मुझे भी इस चीज़ का दुख है, माफ़ी मांगने मुझे भी दुख है ना, मैं मुस्लिम हूँ ना, पहले मैं मुस्लिम हूँ फिर मैं कोई पार्टी में, और अगर मेरे मुस्लिम हो, अगर मैं शरीयत में ही नहीं रहूँ तो ऐसी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए एज अ मुस्लिम मुझे खुद भी इस बात का मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और इस विरोध को हमने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी के सामने बोला, और मुझे ऐसा मेरा ऐसा मानना कि वो एक समझदार आदमी, ऐसी चीज़ों से उन्होंने कभी भी परहेज किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो बात को, ये बात को मानते कि नहीं, एक जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी काम के लिए, डेवलपमेंट के नाते राजनीति की, वो इस चीज़ से ऐसा परहेज करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। और एक बात, सारी दुनिया के लोग, चाहे कोई भी बादशाह हो, पूरे लोग सभी मिलके भी ताकतवर एक तरफ हो जाए और अगर बोले कि इस्लाम में जिनको हम हीरो मानते, जिनको हम मानते, जिनके बारे में हमने हमारे बाप दादा से सुने, वो गलत है और इस्लाम गलत है और इस्लाम अमन परस नहीं है, तो वो सारी दुनिया के ताकतवर लोग एक तरफ भी हो जाए तो भी हम उससे मानते नहीं। जो इस्लाम में है वो इस्लाम का एक जेर बदर भी हट नहीं सकता, एक अल्लाह के मानने वाला जब तक इस दुनिया में। मैं उन्होंने उनका मैंने 2 स्टेटमेंट सुना, एक तो ये कि उन्होंने जो बोला, फिर उसके बाद मैंने दूसरा स्टेटमेंट भी सुना जो उन्होंने अच्छा ही बात भी बताई, वैष्णो मंदिर को तोड़ा नहीं गया उनके कारण, वो सब भी बताया गया। तो अब कौन सा क्या पहला आया उस पर मैं डिटेल जाता हूँ। मैं एज अ मुस्लिम नुमाइंदा, एज अ मुस्लिम पर्सन ये इकरार करता हूँ, और हमने अपने पक्ष के अंदर हमारे आला कमांड, हमें सभी लोगों को ये अपना बता दिया गया है कि ऐसी बातों से हमको बचना चाहिए और ऐसी बातें करना ही नहीं चाहिए जिससे किसी भी लोगों को आहत हो, चाहे वो 4 जन को मानने वाला नहीं हो, उनके मानने वाले तो एक बड़ा तबका है, उनका मानने वाला तो एक बड़ा तबका है जिसमें मैं भी हूँ, मैं भी प्रॉब्लम हो रहा है ना। हम लोग जिनको इल्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, हम कुछ जाहिल लोग, हम उन उलमाओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कता ही नहीं करना चाहिए। मैं आपके ज़रिए ये आग्रह करना चाहता हूँ और विनती भी करना चाहता हूँ, और मैं ये डिपार्टमेंट को भी बोलना चाहता हूँ
कि देखिए इस शहर में कोई भी अपने राजकरण के नीचे लिए औलमाओं को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के प्लेटफॉर्म में बदतमीजी ना कर। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी दीनदारी मामले में काम किया होगा, एक नमाजी होंगे, परहेजगार होंगे, कुछ तो होगा जो उनको औलमा बोल रहे। और औलमाओं का अगर आप एक औलमा को बोलते हो तो महाराष्ट्र देश में ऐसा लगता है सभी औलमाओं कैटेगरी में आ रहे। तो कुछ औलमा बोलने से नहीं चलेगा। औलमाओं से अगर आपको शिकायत है, आप उनके खानका मस्जिद मदरसे में जाइए और उनको बोलिए कि आपसे हम कोई शिकायत है, और उनसे जवाब लीजिए। लेकिन हम कोई भी औलमा को ऐसी टिप्पणी करें कि कोई भी औलमा को हम ऐसी टिप्पणी करें कि वो दलाल है, ये बहुत गलत बात है और इसकी निंदा करते ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। और मैं आपको साफ बोल देता हूँ, मैं अपनी पार्टी से शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं एनसीपी के लोगों के साथ सभी पक्ष के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ कोई भी लोग अपने औलमा कराम पंडित धार्मिक भावनाओं के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ना करे पॉलिटिक्स के लिए। वो एक अलग चीज़ है, उसे पॉलिटिशियन के लाइन पे लाया ना जाए। हाँ, हर आदमी के कुछ औलमा, कुछ दीनदार, कुछ पंडित अलग अलग पार्टी के मानने वाले हैं हो सकते हैं, जिनका झुकाव हो सकता है, लेकिन वो एक पक्ष के नहीं होते, वो एक समाज के होते और उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। उनको अगर 400 लोगों ने भी उनके दिल में रिस्पेक्ट है तो वो 400 लोगों को रिस्पेक्ट कमाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए उनको काफ़ी वर्ष लगे होंगे। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए और डिपार्टमेंट को भी इसके ऊपर कड़ी नज़र लगना चाहिए। अगर औलमा खामोश है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बुजदिल है, वो इस शहर के वातावरण को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए वो खामोश है। और आपके ऊपर, आपसे भी मेरी ये विनती है कि ऐसे लोगों को कम से कम प्रेस के माध्यम से भी समझाए, क्योंकि सोशल मीडिया और प्रेस का डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। हम औलमाओं के ताल्लुक से टिप्पणी करें, आपको टिप्पणी करना है, अगर हमने आपके बारे में कुछ गलत बोला तो हम आप पॉलिटिकली टिप्पणी कीजिए, सामाजिक टिप्पणी कीजिए, लेकिन कोई भी धर्म के ताल्लुक से पंडित, औलमा, पादरी, कोई भी जमात के लोग, उनको प्लीज़ सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पर ऐसी बेइज्जती ना करें जिसने ये कह दिया। क्या आप समझिए, हम लोग अभी हम इस जगह पर रहते, तो मेरे से भी कोई बेचारे किन जगहों का मदरसा मस्जिद वालों को मैंने काम किया हो, कोई अलग अलग काम किया, तो वो इत्तेफाक रखते, लेकिन वो कोई पार्टी के नहीं होते। औलमा कोई पार्टी के नहीं होते, यानी पॉलिटिशियन के नहीं है। औलमा को दलाल ना बोले, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक 5 वक्त के नमाजी को भी दलाल मत बोले। अगर वो दिल्ली में तालिक इदारे से ताल्लुक रखता है, वो बाजू में बैठ गया तो वो एनसीपी का पदाधिकारी नहीं। आपको अगर बदतमीजी बोलना है आप हमारे पक्ष के कोई लोगों को बोल सकते हैं, लेकिन आप उसमें औलमाओं को घसीटे नहीं। मैं इसकी निंदा करता हूँ, वापिस बोलता हूँ, और मैंने आपको पहले ही बोला इसकी शुरुआत मैं एनसीपी से चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी से शुरुआत कर रहा हूँ, कोई कारण अपनी पार्टी से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के लोगों से शुरुआत करना चाहता हूँ कि प्लीज औलमाओं के ताल्लुक से प्लेटफॉर्म ऐसा ना बनाइए ताकि हमारे औलमाओं की बेइज्जती हो। ये मैं अपनी पार्टी से बोल रहा हूँ, अपनी शुरुआत मैं अपने से करवा रहा हूँ, और फिर वो सबको होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, इस शहर के अंदर 354 जैसे फर्जी मुकदमे अगर एक लोक प्रतिनिधि पर लगाए जाएंगे और उसको मिटाने के लिए कोई औलमा आ गया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मिटाने के लिए। अगर ये शांतता रखने के लिए शहर में कोई औलमा आते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज मैं ये चाहता, अगर समझिए MIM, समाजवादी पार्टी, सभी पक्ष के लोग अगर धरने में बैठ जाते और उससे शहर का वातावरण खराब होता है और शहर के औलमा उनको भी अगर खत्म कराने जाए तो ये एक सुलह रमी वाली बात होती है। औलमा किसी पक्ष के नहीं होते। मेरी विनती है पॉलिटिकल लोगों को, आप बदतमीजी कीजिए, नगर सेवक को बोलिए, आप बड़े लीडरों को बोलिए, आप हमको बोलिए, हम उसका जवाब हमारे तरीके से दे देंगे। औलमा खामोश है तो उनको बेचारी खामोशों को उनकी बुजदिली ना समझा जाए। क्यों एक भी शख्स जो है, एक भी औलमा को ना कोई उनके बारे में टिप्पणी करे, ना ही उनको पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म पे उनको इस्तेमाल किया जाए। मैं वापिस बोल रहा हूँ, इसकी शुरुआत मैं चाहता हूँ NCP से। लोग नाराज है, मैंने यही नाराज की, हमने हमारे पार्टी के बड़े लीडर अवार्ड सब तक भी पहुंचा दिए, और एक समझदार लीडर है वो 354 दाखिल होने के बाद वो आहत है, कहीं ना कहीं वो थोड़े से दुखी है, और ऐसी उस मामले को लेके मुझे ऐसा लगता है, इसलिए उनके दोनों स्टेटमेंट देखा। अब कौन सा स्टेटमेंट पहले आया और बाद में आया इसकी पड़ताल मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने दोनों स्टेटमेंट उनके सुना और लोगों ने भी सुने। हम लोग ये बात इकरार करते हैं कि ऐसी बातों पे कोई भी पार्टी को बोलना नहीं चाहिए। आप इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो,
तो हम इस्लामिक ताल्लुक से कोई भी बात ना करें।